हेलो दोस्तों, स्नेक श्रीरामपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमें कॉल आया खंडाड़ा गांव, खंडाड़ा गांव से विकास बोरकर, इन्होंने हमें कॉल किया है। तो दोस्तों उनका एक खेत नांगरने का काम चालू है। तो दोस्तों उन्हें खेत नांगरते नांगरते उनको एक सांप दिखाई दिया है। तो अभी वो सांप पे ध्यान रखे, उनका काम उन्होंने रुकवा दिया है और उस सांप पे ध्यान रखे हुए है। तो चलो दोस्तों देखते हैं वहाँ पे हमें कौन सा सांप रेस्क्यू होता है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में आखिर तक, हम वहाँ पर जाके दिखाते हैं कि उनके विकास बोरकर इनके खेत में हमें कौन सा सांप रेस्क्यू होता है। नांगर तो निकल गया। ये बहुत धर्म है। चल क्या है? धर्म 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 ये ही कड़ा ना इकड़े हेलो दोस्तों, तो आपने अभी भी देखा हमने गांव खंडाड़ा तालुका श्रीरामपुर जिला अहमदनगर विकास बोरकर इनके खेत से हमने एक कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया है, जो कि उसे नॉर्मल थोड़ी सी मामूली चोट आई है। तो दोस्तों ये कोबरा स्नेक हमने विकास बोरकर ये खेत नांगरने का काम कर रहे थे, तब उनके खेत नांगरते हुए उनके ट्रैक्टर के पास उसको आ गया था। शायद से उन्हें वो सांप दिखाई दिया, उन्होंने उनका काम बंद किया और इस कोबरा स्नेक को पहले देखा। तो दोस्तों उन्होंने हमको बुलाया, हमने इस कोबरा स्नेक को अच्छी तरह से रेस्क्यू किया और उसके जंगल में हम रिलीज करने के लिए लाए। तो देखो दोस्तों हम आपको एक कोबरा स्नेक दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कोबरा स्नेक हमने विकास बोरकर इनके खेत से रेस्क्यू किया था, जो कि इसे अभी नॉर्मल थोड़ी सी चोट आई है। तो अभी हम ये एक जहरीला सांप है दोस्तों, तो अभी ये चोट के कारण उसका फन नहीं निकाल रहा है, तो अभी हम इसे ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते है, उसके हम उसके जंगल में पर्यावरण में इसे रिलीज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको हमारे स्नेक रेस्क्यू का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।